आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ड्रोसोफिला के केस में अगर हम वाइट आइड वाली फीमेल और रेड आइड मेल के बीच में क्रॉस करते हैं तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में उल्टा मिलता है, रेड आइड फीमेल्स और वाइट आइड मेल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन रेयरली, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के क्रॉस में फीमेल्स प्रोजेनी में सारी की सारी वाइट आइड ही मिले और मेल्स रेड आइड रहे। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर ये बताना है। तो ड्रोसोफिला, या कॉमनली जिसको फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस की फील्ड में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं उनमें लेबोरेटरी में यूज़ किया जाने वाला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि एक तो इसको लेबोरेटरी में मेंटेन करना काफ़ी इजी होता है, किसी भी सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे इनको ग्रो किया जा सकता है। दूसरा, इनमें कई सारे ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको लो पावर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और मेल और फीमेल को भी देखकर ही बताया जा सकता है एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। तो इस तरह के क्रॉसेस जनरली किए जाते हैं ड्रोसोफिला के ऊपर, क्योंकि इनमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो ह्यूमन बींग्स जैसा ही होता है। मेल में हमें हेट्रोगेमिटी देखने को मिलती है, यानी ड्रोसोफिला में भी मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल में दोनों क्रोमोसोम्स एक से, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं। तो ये जो आई कलर वाला जो जीन होता है जो फ्रूट फ्लाई के आई कलर को कंट्रोल करता है, ये असल में एक्स क्रोमोसोम के साथ ही लिंक्ड होता है। एक तरह का सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है ये, और यही कारण है क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन भी इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हो रही है। और ये जो कैरेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं वाइट या रेड आई, यानी आई का कलर, ये भी सेक्स लिंक्ड है। तो कभी कभी हमें डिविएशंस देखने को मिल सकती हैं एक्सपेक्टेड रेशियो से, क्योंकि पहले तो क्या कह रहा है, ज़्यादातर अगर हम वाइट आइड फीमेल और रेड आइड मेल को आपस में क्रॉस करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन हमें मिलेगा आने वाली जनरेशन में, यानी फीमेल में हमें रेड कलर की आई भी देखने को मिलेगी और मेल में भी वाइट आईज मिलेंगी। लेकिन रेयरली हम देखते हैं इस तरह का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। वाइट आइड ऑर्गेनिज्म का सेक्स वही मिलेगा हमें हमेशा ही फीमेल, और रेड आई कलर भी मेल्स के साथ ही एसोसिएटेड हो जाएगा। और इस तरह की कंडीशन हमें क्यों मिल सकती है, क्योंकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स की डिसजंक्शन नहीं होती है, यानी सेल साइकिल के दौरान जब गेमीट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, उस समय पर एक्स क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और इसीलिए एक्स क्रोमोसोम्स में, क्योंकि सेल साइकिल की जो प्रोसेस हुई उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिसरप्शन आ गया, कुछ एनोमेली आ गई, इसीलिए सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की जो हम प्रोजेनी में रेशियोज देखेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो काफ़ी डिविएट कर सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी कर देते हैं। क्यों हमें इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में या फ्रूट फ्लाई में, क्योंकि कभी कभी एक्स क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं एक्स क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शन की वजह से ऐसा होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।